हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, इस बार भी आपके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। हमारे यहां पर वीआरवी और वीआरएफ की जो पीसीबी होती है उसके रिपेयरिंग का कोर्स शुरू होने वाला है, तो उसी के लिए एक पहला वीडियो इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीआरवी वीआरएफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको कौन सी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से बोर्ड लगे होते हैं, कौन सा बोर्ड किसे सप्लाई देता है, क्या करता है वो सभी, और सेक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कोर्स कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी जो है वो ले सकते हैं। जैसे एलसीडी एलईडी टीवी का कोर्स करना हो आपको, या एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव इनका कोर्स करना हो, ई रिक्शा ई बाइक हो गया, ई व्हीकल जो भी है उनका रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, होम इन्वर्टर करना चाहते हैं, या अदर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक जिसका आप कोर्स करना चाहते हैं, एक बार हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल जरूर करें और कोर्स के बारे में डिटेल अवश्य लें। और इसके अलावा अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, उसके बारे में आपको पता चल सके। वीडियो अंत में आया पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो वीआरवी या वीआरएफ का जो काम है उसमें इंटरेस्ट रहते हैं या काम करते हैं, ताकि उनको भी अगर पीसीबी से रिलेटेड कुछ काम सीखना हो तो हमें कॉल जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करता हूं मैं आपके सामने। पहले वीआरवी और वीआरएफ के बारे में थोड़ा मैं आपको एक इजी बेसिक तरीका बताता हूं। एसी जो है वो काफी टाइप के आते हैं, ठीक है, उसमें हमारे डोमेस्टिक और हमारे कॉमर्शियल एसी भी होते हैं। डोमेस्टिक एसी की बात करें जो कि सिंगल फेज पे हमारे यूज किए जाते हैं, आप घरों में जो कहीं जाते हैं कॉल कर, जहां पे कोई कहीं से कॉल आता है, एसी से रिलेटेड फॉल्ट आता है, आप जाते हैं रिपेयरिंग करते हैं या चार्जिंग करते हैं, जहां पर क्या होता है जो घरों में एसी यूज किए जाते हैं वो एक्चुअली सिंगल फेज लाइन के होते हैं, तो वो डोमेस्टिक कैटेगरी में आते हैं, जैसे विंडो स्प्लिट, ठीक है, दो टाइप के एसी ज्यादातर मोस्टली यूज होते हैं जो सिंगल फेज के आधार पर यूज किए जाते हैं। अब यहां पर बात करें तो कॉमर्शियल कैटेगरी में, तो कॉमर्शियल कैटेगरी जो में यूज किए जाते हैं उसमें क्या होता है कि एचवीएसी की श्रेणी के ज्यादातर एसी यूज किए जाते हैं, यानी हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनर जो हमारे होते हैं उनका यूज किया जाता है। अब इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें जो मोस्टली सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज किया जाता है वो होते हैं वीआरवी वीआरएफ कैटेगरी के। अब इनको बात करें कि वीआरवी वीआरएफ को सिंगल फेज चाहिए या थ्री फेज, तो वीआरवी एंड वीआरएफ को थ्री फेज की कैटेगरी जो सप्लाई होती है वो दी जाती है, ठीक है, उसी के आधार पे कार्य करते हैं, क्योंकि इनका जो लोड होता है वो बहुत हैवी होता है, इसलिए इनको थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है। अब बात करते हैं वीआरवी और वीआरएफ क्या अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही श्रेणी के एसी होते हैं। मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आउटडोर है, ये वाली चीज, ये आउटडोर होते हैं जो कि आपको छतों पर लगे मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप देखते हैं, ये वैसे तो ब्लू स्टार के हमने इमेज ले रखी है, ऐसे आपको वोल्टास, डाइकन और भी अदर कंपनियां, सैमसंग, एलजी, इन सभी, मिट्सुबिशी, ओ जनरल, इन सभी के आपको वीआरवी वीआरएफ के मिलते हैं। अब वीआरवी वीआरएफ दोनों एक ही कैटेगरी के ऐसी है, तो नाम अलग क्या है। वीआरवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वैल्यू, और जो वीआरएफ होता है उसका होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, ठीक है, ये दोनों नामों में क्या होता है, वीआरवी एक्चुअली डाइकन ने पेटेंट करा रखा है, इसलिए वीआरवी नाम को कोई अदर कंपनी अपने लिए यूज नहीं कर सकती है, तो जो डाइकन को छोड़ के बाकी सारी कंपनियां उन्होंने वीआरएफ नाम को पेटेंट, मतलब अपने नाम के लिए यूज किया, तो दोनों नाम में ही सिर्फ फर्क है, लेकिन एसी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, जो वीआरवी या वीआरएफ जो हमारे एसी होते हैं उनमें क्या होता है, एक आउटडोर होता है जो घरों की छत पे लगता है, ठीक है। अब इन छत, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होता है, इसका उपयोग मल्टीपल एसी के लिए किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कोई एक बिल्डिंग बन रही है, मल्टीपल स्टोरी है, ठीक है, और वहां पे अलग अलग रूम है और उनको अलग अलग एसी ना लगाकर एक ही सेंटर में ऊपर आउटडोर लगा दिया जाए और उस आउटडोर के साथ काफी सारे इंडोर कनेक्ट कर दिए जाए, उसमें हमारे स्प्लिट एसी हो गए, कैसेट हो गए, डक्टेबल हो गए, ठीक है, वॉल माउंट हो गए, तो ऐसे एसीओ को लगा, मतलब इंडोर यूनिट को लगाकर आउटडोर से फ्लो को साइक्लिक, मतलब गैस को भेजा जा सके, तो इससे क्या होगा कि एक इंडोर मल्टीपल होंगे लेकिन उनका
का जो यूनिट होगा वो सिर्फ एक होगा, वो होगा आउटडोर में, ठीक है। इनमें क्या होता है कि आउटडोर में जो यूनिट लगती है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए लोड कैपेसिटी बढ़ गई है, हमें एसी जो आउटडोर इंडोर यूनिट है वो हमें ज्यादा लगाने हैं, मान लीजिए तो उसमें इंडोर यूनिट हमें ज्यादा लगाने हैं, हमें 10 की जगह 20 लगाने हैं, 30 लगाने हैं, या ज्यादा कैपेसिटी 10 के अकॉर्डिंग बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है आजकल कि एक मास्टर यूनिट होती है, मास्टर यूनिट जो वो पहला मास्टर यूनिट कौन सा होता है, मास्टर यूनिट उसे कहते हैं जिसके साथ, जिस मास्टर यूनिट के साथ ये सारे इंडोर का जो कम्युनिकेशन होता है वो मास्टर में जाता है, ठीक है। मास्टर यूनिट के साथ दो लगते हैं उसे, उसके सहायक यानी स्लेव यूनिट लगते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, किसके लिए, मास्टर यूनिट के लिए। मास्टर यूनिट के साथ जो हमारी स्लेव यूनिट होती है वो क्या करती है, मास्टर यूनिट के साथ अपना कम्युनिकेशन बनाती है और इन सभी का जो आउटफ्लो होता है वो एक सेटअप पे किया जाता है। अब जब इंडोर के अंदर यानी किसी एक रूम में, एक रूम में जैसे मान लीजिए काफी सारे रूम में हमने 40 इंडोर लगा दिए, एक मास्टर दो आउटडोर हो गए, मतलब आउटडोर में हमने टोटल 3 लगा दिए, एक मास्टर और दो हमने स्लेव यूनिट लगा दिए, 3 यूनिट हो गई, ठीक है। और रूम हो गए हमारे 40 रूम, ठीक है। 40 रूम में हमने जितना भी एग्जाम्पल के आधार पे मतलब जो इंडोर एसी लगाए हैं, अब वहां मान लीजिए वहां पर 5 एसी बंद है, ठीक है, बाकी एसी चल रहे हैं, कुछ 24 डिग्री पे है, कोई 16 डिग्री पे है, किसी का टेम्परेचर अप है, किसी का कम कर रखा है। तो यहां पर क्या होता है कि जो भी कम ज्यादा वहां पे वो टेम्परेचर को करते हैं तो फ्लो में भी बदलाव होता है, तो वहां पे क्या होता है उसका जो सारा कम्युनिकेट, क्योंकि एक सिग्नल होता है इंडोर, जब आप टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं तो इंडोर क्या करता है, मेन कम्युनिकेशन एक बॉक्स लगा होता है जो आउटडोर यूनिट से पहले इंडोर यूनिट में लगाते हैं, नीचे छत में लगा होता है, उसको सब यूनिट की क्या करती है, ट्रांसफर जाती है। फिर वो जो कम्युनिकेशन बॉक्स होता है वो मास्टर बॉक्स को यानी मैन जो हमारा मास्टर यूनिट होता है उसको सिग्नल देता है कि यहां पर किसी ने लोड बढ़ा दिया, यानी उसने टेम्परेचर अपना डाउन किया है, यहां पे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, फ्लो का रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है वो बढ़ेगा, तो वहां क्या होता है कंप्रेसर की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए जो 5 कमरे बंद थे या जो शॉप थी या जो भी था वो वैसे उनके भी ऑन हो गए तो लोड और बढ़ गया, क्योंकि उनके भी एसी में फ्लो चाहिए, तो वहां फ्लो बढ़ते ही कम्युनिकेशन का सिग्नल आएगा कि 5 यूनिट के अकॉर्डिंग इतना फ्लो बढ़ा, तो वहां पे जो एक्सपेंसिव वॉल होते हैं जो बीच में लगे होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्लो में बदलाव किया जाता है। तो वो कम्युनिकेशन बॉक्स को, मेन कम्युनिकेशन बॉक्स को क्या करते हैं सिग्नल देते हैं कि 5 यूनिट और ऑन हो गए, वो मेन कम्युनिकेशन बॉक्स हमारे मास्टर यूनिट को क्या देता है, सिग्नल देता है कि हमें फ्लो बढ़ाना है। ये क्या करता है अपनी जितनी कैपेसिटी होती है उसके आधार पर तो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और बाकी का लोड होता है जो इनको सिग्नल के रूप में देता है कि अब आपको भी अपने जो कंप्रेसर है उनकी स्पीड बढ़ा लेनी है। इससे क्या होता है कि जो लोड होता है वो प्रॉपर डिवाइड होकर इस फ्लो में चलता रहता है। तो यह है एक मल्टीपल वीआरवी का, ठीक है। अब वीआरवी की बात करें कि वीआरवी क्या इन्वर्टर होता है या नॉन इन्वर्टर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वीआरवी में पहले जो कंप्रेसर आते थे, जैसे वीआरवी हमारा सिंगल कंप्रेसर का भी आता है और डबल कंप्रेसर के भी आते हैं, पहले क्या होता था जो डबल कंप्रेसर के वीआरवी आते थे उनमें क्या होता था एक स्टैंडर्ड यानी एसटीडी कंप्रेसर लगा होता था, वो 3-phase सप्लाई पे डायरेक्टली चलता था, उसकी जो स्पीड है वो वेरिएंट नहीं हो पाती थी, वो एक ही स्पीड पे फ्लो कार्य करता रहता था, और एक कंप्रेसर होता था हमारा इन्वर्टर। तो जब वो एसी ऑन होता था वो क्या करता था कि पहले हमारा इन्वर्टर के साथ एसटीडी कंप्रेसर ऑन हो जाता था और इन्वर्टर कंप्रेसर क्या करता था अपनी स्पीड में कम ज्यादा करके फ्लो के कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन कमांड के आधार पे अपने इन्वर्टर की स्पीड को कम ज्यादा करके फ्लो को जनरेट करता रहता था, ठीक है। अब क्या हो गया कि टोटल ही इन्वर्टर पे आ गया है वीआरवी वीआरवी का वाले, तो आउटडोर यूनिट में क्या होता है कि अगर सिंगल कंप्रेसर तब भी वो इन्वर्टर है और दो कंप्रेसर है तब भी वो दोनों क्या है इन्वर्टर है, तो वो दोनों मिलकर यानी एक यूनिट के अंदर दो कंप्रेसर है वो मिलकर अगर दो कंप्रेसर लगे तो मिलकर वो अपनी स्पीड में कम ज्यादा करते हैं जिससे कि फ्लो डायरेक्शन को मतलब वो कम ज्यादा कर सके, तो दोनों इन्वर्टर है, ठीक है। जो एसटीडी कंप्रेसर है यानी स्टैंडर्ड कंप्रेसर जो होता है जो 3-phase वाला होता है स्टार 3-phase का हमारा, उसको चलाने के लिए हमारे कॉन्टैक्टर यूज होते हैं, कॉन्टैक्टर रिले जो हमारी होती है 3-phase कॉन्टैक्टर रिले वो यूज होती है, उसके आधार पर वो डायरेक्टली ऑन ऑफ होते थे, लेकिन इन्वर्टर को चलाने के लिए आउटडोर में यानी मेन यूनिट के अंदर एक इन्वर्टर पीसीबी लगी होती है जो इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाने का काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आउटडोर के अंदर कितने मतलब
कितने हम मैक्सिमम इंडोर जोड़ सकते हैं आउटडोर के साथ, तो अगर आउटडोर में मास्टर और दो स्लेव है तो मैक्सिमम आप 60 यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं। 60 यूनिट तक का कंपनी इनमें जो सेटअप देती है कि 60 यूनिट तक आप इसके साथ इंडोर को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारे एक मैक्सिमम लोड के आधार पर होते हैं। तो यहां पर फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल में 60 यूनिट तक हम लगा सकते हैं और ये लोड के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एक यूनिट के अंदर कौन कौन से जो पीसीबी बोर्ड होते हैं वो लगे होते हैं, क्योंकि हम यहां पर आपको पीसीबी रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। तो उससे पहले आपको पीसीबी बोर्ड की मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि वीआरवी या वीआरएफ का जो यूनिट होता है उसके अंदर कौन कौन से बोर्ड, ठीक है फ्रेंड। तो बात करते हैं अब इनके बोर्ड के बारे में, ठीक है। ये आउटडोर यूनिट होती है और ये होते हैं हमारे कुछ बोर्ड, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन बोर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, फिर आपको ये बताऊंगा किसकी सप्लाई कहाँ जाती है, किसको जाती है, कम्युनिकेशन किनके बीच में होता है, कौन किसको चलाता है, ये सारी मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंपली शुरुआत में जो हमारी थ्री फेज सप्लाई होती है, जो हमारी जो सप्लाई आती है थ्री फेज, वो सबसे पहले हमारी जो थ्री फेज सप्लाई आती है वो सबसे पहले नॉइस फिल्टर कार्ड में आती है। ये हमारा नॉइस फिल्टर कार्ड होता है, ये वाला, ये दोनों नॉइस फिल्टर ही है, क्योंकि किसी किसी यूनिट में सिंगल नॉइस फिल्टर कार्ड होगा, किसी में दो होंगे। ये नॉइस फिल्टर आखिर क्या करते हैं, नॉइस फिल्टर कार्ड जो होते हैं एक्चुअली इनको ईएमआई पीसीबी बोले जाते हैं, यानी इनका जो सेक्शन होता है उसका नाम होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। ये एक पीसीबी है, इसका सेक्शन का नाम है और इस पीसीबी का नाम है नॉइस फिल्टर। एक्चुअली में ये क्या करती है, एसी बोर्ड को फिल्टर करने का काम करती है, और इस कार्ड के अंदर जो ये कॉइल लगी होती है ये एक्चुअली में क्या करती है, एसी बोर्ड में आने वाली अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर करने का काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं उनको रोकने का काम ये कार्ड करता है। प्लस इस कार्ड पे क्या होता है, हमारे फ्यूज लगे होते हैं जो काफी हाई एम्पियर के होते हैं, वो लगभग हमारे करीबन 65 एम्पियर 70 एम्पियर का, किसी में और भी ज्यादा किसी में कम, इतने तक हाईएस्ट तक के हमारे फ्यूज लगे होते हैं थ्री फेज सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो तीनों फेज पर तीन फ्यूज लगते हैं, उसके बाद में एमओवी लगते हैं जो काफी हमारे हाई वोल्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, करीबन किसी में 400 वोल्ट किसी में 500 वोल्ट तक के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये थ्री फेज सप्लाई सबसे पहले कहां जाती है, हमारे नॉइस फिल्टर सेक्शन में, ठीक है। अगर मान लो किसी में दो दे रखे हैं तो यहां पर दोनों पर, यानी जो सप्लाई इस पर गई है यही सप्लाई हमारे इस वाले नॉइस फिल्टर कार्ड, यानी दोनों नॉइस फिल्टर कार्ड पर ये सप्लाई आएगी, दोनों पे आएगी अगर दो कार्ड दे रखे हैं तो। और यहां दोनों से क्या होता है कि दोनों से ये जो सप्लाई होती है ये दोनों से, जैसे मान लीजिए कि दो नॉइस फिल्टर दे रखे हैं, दो कंप्रेसर दे रखे हैं, तो दोनों कंप्रेसर को चलाने के लिए इन्वर्टर कार्ड लगे होते हैं। तो मैं आपको पहले एक बार बोर्ड की सारी जानकारी दे ही देता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा वायरिंग भी समझाने में इजी होगी। तो सबसे पहले ईएमआई कार्ड लगे होते हैं जिनका काम होता है एसी बोर्ड को फिल्टर करना, ठीक है। बात करें कंप्रेसर को चलाने के लिए, यहां पर हमारी एक पीसीबी होती है, इसे इन्वर्टर पीसीबी बोला जाता है, ठीक है। इन्वर्टर पीसीबी पे क्या होता है, आईपीएम लगा होता है, कुछ में आईपीएम तो किसी में आईजीबीटी लगी होती है, मल्टीपल आईजीबीटी बोला जाता है जिसे, और उन आईजीबीटी को चलाने के लिए मतलब एक ड्राइवर आईसी और उसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर यानी एमसीयू लगे होते हैं। यहाँ पर दो इन्वर्टर पीसीबी मैंने लगाई है क्योंकि यहाँ पर दो कंप्रेसर को मैंने शो किया, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग दो दे रखी है, एक आईपीएम अकेला दो कंप्रेसर को नहीं चला सकता, ठीक है। एक आईपीएम अकेला दो कंप्रेसर को नहीं चला सकता, इसलिए यहाँ पे दोनों पे क्या है, दोनों कंप्रेसर के लिए दो अलग अलग आईपीएम वाली पीसीबी दे रखी है, ठीक है। यहां पर आगे बात करें तो ये फैन मोटर है हमारी, फैन मोटर को चलाने के लिए, क्योंकि आउटडोर में क्या होता था पहले तो जो जो हमारी एसी मोटर, फिर उसके बाद में डीसी मोटर आने लगी, तो डीसी मोटर जो आती है, ठीक है, उसको चलाने के लिए भी आईपीएम या आईजीबीटी का सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी, क्योंकि स्पीड उसकी भी वेरिएंट होती है, वेरिएबल होती है, चेंज होती है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फैन की और उसका फीडबैक लेने के लिए उनमें भी इन्वर्टर मतलब एक पीसीबी लगी होती है जिनमें आईपीएम लगा होता है, ठीक है। इस फैन पीसीबी को, इन्वर्टर पीसीबी को, और एक होती है हमारा कम्युनिकेशन के बारे में, तो कम्युनिकेशन का तो मैं अभी आपको अभी बताऊंगा। तो इन सभी पीसीबी को जो कंट्रोल करती है वो करती है हमारी मैन पीसीबी, इसे बोला जाता है मैन मास्टर पीसीबी। ये मास्टर पीसीबी ही कमांड देती है
मैन इंडोर से कनेक्ट होती है, मास्टर पीसी भी ही मैन इंडोर के सारे कमांड लेती है और उन्हीं कमांड के आधार पर जो स्लेव यूनिट होती है, एक्स्ट्रा यूनिट लगी होती है, उनको कमांड देती है। उसके अलावा अपने कंप्रेसर जो उसकी यूनिट में लगे होती है उनको चलाने के लिए उनकी इन्वर्टर पीसीबी को कमांड देती है कितनी स्पीड पे उसको कैरी करना है, फैन स्पीड को कितना कैरी करना उसके लिए कमांड देती है। तो इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन चलता है और इसी कम्युनिकेशन के आधार पर पूरा सर्किट रियली का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई की। तो मैंने जैसे सप्लाई बताई कि सबसे पहले तो हमारे जो नॉइस फिल्टर बोर्ड होते हैं, इसने बोलते हैं नॉइस फिल्टर बोर्ड या आप नॉइस फिल्टर कार्ड कह सकते हैं, पीसीबी कह सकते हैं, नॉइस फिल्टर पीसीबी। सबसे पहले सप्लाई इन्हें मिलती है, ये जो थ्री फेज सप्लाई होती है ये फिल्टर होकर फिर इनसे एक जाती है एक इन्वर्टर कार्ड को और दूसरी जाती है दूसरे इन्वर्टर कार्ड को। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो थ्री फेज सप्लाई होती है ये यहां पर रिले के ऊपर आकर होल्ड हो जाती है, यानी रिले से आगे नहीं जाती है। रिले पर जब तक वो नहीं जाती है वो आगे से आगे पास ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर पे पास नहीं होती है, वो कैपेसिटर पे पहले क्या करती है आकर रुक जाती है, मतलब कैपेसिटर से पहले रुक जाती है। तो यह सप्लाई जो होती है वो रिले के द्वारा होल्ड कर दी जाती है। वो कब आगे जाती है सर्किट में, जब उसे मास्टर बोर्ड चाहता है। लेकिन मास्टर बोर्ड को जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी वो ऑन नहीं होगा, जब तक इन दोनों इन्वर्टर कार्ड के अंदर जो रिले लगे होते हैं, कैसा भी इन्वर्टर कार्ड लगा होता है रियलमी में उसके ऊपर जो रिले दे रखे होते हैं पावर रिले, वो ऑन जब तक नहीं होगी जब तक मास्टर कार्ड को सप्लाई नहीं मिलती। मास्टर कार्ड को सप्लाई देने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप के सर्किट दिए जाते हैं। जैसे यहां पर क्या किया जाता है कि जो हमारी नॉइस फिल्टर पीसीबी होती है वहां से फेस बनाकर, यानी या तो सिंगल फेस बनाकर या ड्यूल फेस को ही इसकी लाइन एंड न्यूट्रल जो कनेक्टर होते हैं उनके ऊपर दिया जाता है, उसके आधार पर वो आराम से इजीली दो फेस काम कर लेते हैं आगे। तो या तो सिंगल फेस बनाकर या यहां पर ड्यूल फेस बनाकर यहां पर इसको पीसीबी को दिया जाता है। इस पीसीबी में होता है एक एसएमपीएस सर्किट, यहां पर यह एसएमपीएस सर्किट दे रखा है जो कि क्या करता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट 5 वोल्ट इनमें बनाकर पूरे सर्किट में देता है। ठीक है, वहां से 5 वोल्ट बनकर माइक्रो कंट्रोलर के जाते हैं और माइक्रो कंट्रोलर इसके बाद क्या करता है, पहले तो फेज डिटेक्शन सेक्शन को चेक करता है कि इसमें फेज प्रॉपर हमें मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें चेक करता है। उसके बाद ये चेक करने के बाद जब उसे लगता है फेज डिटेक्शन ओके है, उसके बाद ये क्या करता है कि यहां से जो कम्युनिकेशन हमारे कनेक्टर होते हैं इन कम्युनिकेशन कनेक्टर के थ्रू ये कमांड देता है सीधा इनकी रिले को, तो इनकी रिले को पावर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये देता कैसे है ये समझिए, जो सप्लाई पहले इसको मिलती है वही सप्लाई कुछ कनेक्टर के द्वारा पास होकर इनके ऊपर भी जाती है। ठीक है, फिर इनका जो एसएमपीएस होता है उसको वो सप्लाई मिलती है और वो कार्य करना शुरू होता है। फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो अलग चलता है। ध्यान रखिएगा, मास्टर बोर्ड को जो एसी वोल्ट मिलते हैं वही कनेक्टर के थ्रू वापस इसको मिली और इसी के थ्रू वापस पास होकर, क्योंकि होल्ड करने के लिए यहाँ पे रिले लगा रखी होती है, जब सप्लाई इसको मिल जाती है तब ये क्या करता है सप्लाई को पास करता है और ये सप्लाई कहाँ जाती है इन्वर्टर कार्ड को जाती है। और इन्वर्टर कार्ड में क्या होता है कि जो एसएमपीएस होता है, जो एसएमपीएस बना होता है वो चालू होता है, वो फिर क्या करता है कि यहाँ की रिले को मलयाल से को सप्लाई मिली फिर वो क्या करता है यहाँ की रिले को ऑन करता है, सप्लाई आगे चली जाती है। ये दोनों कार्ड में यही सिस्टम होता है, लेकिन मास्टर कार्ड सप्लाई जो देता है वो एक इन्वर्टर कार्ड को देगा और एक इन्वर्टर कार्ड दूसरे इन्वर्टर कार्ड को सप्लाई सेंड करता है। ये ऐसे इनमें सप्लाई चलती है। ठीक है, अब मास्टर कार्ड क्या करता है, जो इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कार्ड को भेजता है, एक कार्ड को वो क्या करता है कम्युनिकेशन सेंड करता है और वही इन्वर्टर कार्ड उस कम्युनिकेशन सिग्नल को अपने भी कंट्रोलर को देता है और वही से वो सिग्नल दूसरे इन्वर्टर कार्ड को भी देता है। जब कंप्रेसर चलाना होता है तब ये इसको कम्युनिकेशन देता है। पर जब उन्हें फैन ऑन करना होता है तो फैन को कम्युनिकेशन देने के लिए इन्वर्टर कार्ड ही कार्य करता है। ध्यान देना, फैन पीसीबी जो होती है उससे कम्युनिकेट करने के लिए इन्वर्टर पीसीबी ही कार्य करती है। तो जहां पर जो मेन पीसीबी इन्वर्टर लगी होती है वही से सारे सिग्नल अलग अलग बोर्डों में जाते हैं और वहां से वो क्या करती है फैन पीसीबी को कंट्रोल करता है। और फैन पीसीबी को जो सप्लाई चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ सप्लाई तो मिल गई इनको, लेकिन फैन पीसीबी को भी क्या चाहिए भाई, सप्लाई चाहिए, क्योंकि फैन पीसीबी में भी आइटम लगा होता है, कंट्रोलर लगा होता है, उनको सप्लाई देने के लिए क्या होता है कि हमारी इन्वर्टर पीसीबी से 300 वोल्ट की सप्लाई प्लस एक 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी फैन पीसीबी को
मिलती है और इसी सप्लाई के आधार पर यह बोर्ड हमारा ऑन होता है और यहां पर आईपीएम कार्य करता है। लेकिन आईपीएम को कार्य करने के लिए यहां पर यह कंट्रोलर आईसी लगी है। यह कंट्रोलर आईसी इन कनेक्शन के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके थ्रू कार्य करती है, तभी यह आउटपुट करती है। ठीक है, तो एक फैन को चलाने के लिए एक कार्ड और एक फैन को चलाने के लिए दूसरा कार्ड लगा होता है। तो इनकी जो सप्लाई है, जैसे मैंने आपको बताया एक बोर्ड पर जा रहा है वो दूसरे बोर्ड पर भी जाएगा, 300 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट जाएगा। 15 वोल्ट को कम करने के लिए 5 वोल्ट में करने के लिए रेगुलेटर आईसी लगी होगी। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन एक और एक से दूसरे में जाता है और ये कम्युनिकेशन इस तरह से इन और आउट के आधार पर कार्य करता है और कंप्रेसर हमारा वर्किंग करता है। तो यह हो गया इस बोर्ड का कनेक्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसी के आधार पर पूरा सर्किट हमारा काम करता है। हम आगे जो वीडियो आपके लिए आगे वन बाय वन आगे आपके लिए आएंगे, मैं वन बाय वन आपको एक एक बोर्ड की जानकारी दूंगा कि हर एक बोर्ड का क्या क्या कार्य होता है, वो कैसे कार्य करता है, उन्हें कैसे चेक करना चाहिए। ठीक है, उनके खराब होने पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सब कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जो जानकारी मुझे आपको देनी थी, जो एक बेसिक जानकारी थी, ये आपके लिए थी ताकि अगर आप भी वीआरवी का काम शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो के अकॉर्डिंग देखकर सीखे, या आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए है उस पर कॉल करके आप कोर्स कब शुरू होने वाला है, क्लासेस कब बनने वाली है, ठीक है, कितनी फीस है, कितना टाइम है, उसके बारे में जानकर हमें आप कॉल करके जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वीआरवी एंड वीआरएफ की जो पीसीबी का काम सिखाएंगे ना, वो मास्टर लेवल का आपको सिखाएंगे, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का आपको काम सिखाएंगे। सॉफ्टवेयर डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे डाला जाता है, वो सब, और कैसे प्रॉपर तरीके से पूरी पीसीबी चेक की जाती है, कितने सेक्शन होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। पर वायरिंग जैसे भी जो भी टोटल है वो सारा हम आपको टोटल सिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना ताकि आपको लेटेस्ट जो इसका आगे वाला भाग है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकूं, और शेयर करना ना भूले दोस्तों में। थैंक यू।